हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस दैट कंप्यूटर सेंटर। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो हमने पिछले वीडियो में पूरे स्ट्रक्चर को समझा था, आज हम इसका होम टैब को शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ समझाने वाला हूँ। तो होम टैब को कैसे यूज किया जा सकता है तो मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको ओपन कैसे करना होगा। तो पहला तरीका होगा, आप स्टार्ट के बटन पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखाई दे जाएगा। हो सकता है आपके लैपटॉप में 2007 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, लेटेस्ट, तो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है। और दूसरा तरीका ओपन करने का है, नीचे जाना है, सर्च बॉक्स में क्लिक करना है, यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे ही आप वर्ड लिखेंगे ये आपके सामने शो हो जाएगा, और यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है, आपको शॉर्ट की यूज करनी होगी, विंडो प्लस आर, और यहां पर टाइप करना है आपको विन वर्ड। और जैसे ही आप विन वर्ड टाइप करेंगे और ओके करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके होम पेज के बारे में। तो देखिए, इसको शुरू करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा जो हमें टेक्स्ट प्रोवाइड होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम बराबर का चिन्ह प्रेस करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे RAND, और यहां पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हमें 6 लाइन चाहिए, और इसको हम बंद करेंगे तो देखिए यहां पर हमारे सामने 6 पैराग्राफ बनकर आ जाएंगे। ठीक है, आप कितने भी पैराग्राफ बना सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अब आपको यहां पर दिखाने वाला हूं कि हम इसको कैसे, यहां पर मैं यहां मैंने कंप्यूटर सेंटर लिखा है, सक्सेस दत्त कंप्यूटर सेंटर। अब देखिए, अब खेल शुरू होता है। अब देखिए, यहां पर मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूं। अब देखिए, सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है, माउस के कर्सर को ले जाकर माउस के जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करेंगे और यहां से हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। दूसरा तरीका है, यहां से हम जो कीबोर्ड में एरो के साइन होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, हम उससे जिस भी लाइन को हमें सिलेक्ट करना है वहां कर्सर लेकर जाएंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और एरो की दबाएंगे, तो जैसे जैसे हमें सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। अब ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको जो टूल्स हैं उनको समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ, अब हम चलते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या किया है, ये वाला पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है, हमने टाइप किया था, लेकिन हमें लगा कि ये वाला पैराग्राफ यहां नहीं होना चाहिए था, ये वाला पैराग्राफ होना चाहिए था कोई दूसरी जगह। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट, और सिलेक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, कर्सर के थ्रू या माउस के थ्रू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माउस के थ्रू हमने इसको सिलेक्ट किया है, यहां से हम इसको कट करेंगे, देखा कि यहां से ये कट हो गया, यानी कि यहां से हटा दिया। अब हमें कहां पर रखना है, तो मान लीजिए हमें यहां पर इसको रखना था, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको कर देंगे पेस्ट। जैसे ही हम यहां पेस्ट कर देंगे तो देखिए, ये वाला जो हमारा पैराग्राफ था वो वहां से कट हो गया, यानी कि हट गया, और यहां पर पेस्ट हो गया, यानी कि यहां पर चिपका दिया है। दूसरा, अब देखिए हमें क्या करना है, हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, अब हमें क्या करना था कि हमें ये यहां पर भी चाहिए और हमने जहां से डिलीट किया है वो वहां पर भी चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको दो तरीके ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहां करेंगे कॉपी, और कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहां हम नीचे लाएंगे, ये पेस्ट हमें यहां भी चाहिए, तो हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, ये वाला जो पैराग्राफ है वो हमारा यहां पर भी है, और यही वाला पैराग्राफ हमारा यहां पर भी है। तो इस प्रकार आप कॉपी और कट को आसानी से समझ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। कट का मतलब होता है कि कोई पैराग्राफ आपने बनाया है, कोई भी लाइन आपने बनाई है, उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाना है, तो उसको कट का यूज करेंगे, यानी कि वहां से कट किया, दूसरी जगह हमें लगा दिया। कॉपी का मतलब होता है
कि वो पैराग्राफ या वो लाइन हमें, वो वर्ड हमें वहां पर भी चाहिए और दूसरी जगह भी चाहिए, तो हम वहां पर कॉपी कर देंगे। कट और कॉपी के बाद पेस्ट करना अनिवार्य है, तभी वो एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए, यहां से हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज को हम छोटा भी कर सकते हैं। दूसरा, हम यहां से इसके साइज को 24, 26, 28, 32, 72 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार हम यहां से इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने इसको 24 कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो टेक्स्ट का साइज दिया हुआ है केवल 72, हम 72 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है? नहीं, हम बढ़ा सकते हैं। हमें यहाँ पर इस बटन से प्लीज करेंगे तो हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं और इससे हम कितना भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूं इतना। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको बोल्ट कर लेते हैं। और बोल्ट करने के लिए इसमें हम जैसे ही बोल्ट करेंगे तो देखिए बोल्ट हो जाएगा, यानी डार्क हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको इटैलिक करना है, यानी कि इसको तिरछा करना है, तो हम यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ अंडरलाइन क्लिक कर सकते हैं, तो अंडरलाइन हो जाएगी। अगर हमें अंडरलाइन का सिंबल चेंज करना है तो हम यहाँ से अंडरलाइन का कोई भी चेंज कर सकते हैं, जो सी भी हमें अंडरलाइन चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ये हमारा हो गया इतना। उसके बाद यहाँ हम जाते हैं इस वाले, अब ये इसको मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ एलिगेंस दिए हुए हैं। ठीक है, अलाइनमेंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, तो उसमें जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। देखिए ये सारी चीजें जो हमने टेक्स्ट बनाया है वो राइट में ही शिफ्टेड है। अब हमें क्या करना है, इसको हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। देखिए हमें ये क्या किया है, सेंटर में। हम इसको राइट में कर सकते हैं, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई को मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हमने इसको सेंटर में कर लिया है। तो सेंटर में करने के लिए हमें इस वाले की का यूज किया है। अब देखिए हम यहां से अगर हमें इनको हटाना है तो हम वापस पे अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, इटैलिक पर क्लिक करेंगे और बोल्ड पर क्लिक करेंगे, लेकिन हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहां पर और हम यहां से इसके जो एरो के बटन है यहां पर क्लिक करके हम यहां से इसका जो है कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां से हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसका कलर ले लिया है। उसके बाद अगर हमें हाइलाइटर का यूज करना है तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये हमारा साइज बढ़ चुका है। अब हमें इसमें हाइलाइटर यूज करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये येलो वाला हाइलाइटर लेंगे और हम यहाँ से इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। देखिए ये देखिए, आपको जो भी चीजें हाईलाइट करनी है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। मुझे ये हाईलाइट करना है, ये देखिए। तो आप यहाँ से कोई दूसरा भी कलर ले सकते हैं। मान लीजिए आपको रेड कलर लेना है तो आप यहाँ से रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप हाइलाइटर की सहायता से इसको कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका कलर हो गया और यहाँ से हाइलाइटर हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को। जैसे मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया और हम इसके फॉन्ट जो है इसको चेंज करना चाहते हैं। देखिए इसका जो हमने लिखा हुआ उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये वाली शेप दी है। उसके बाद अब हम क्या करना है, ये जो हमने फॉन्ट बना रखा है, ये फॉन्ट का स्टाइल अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ जाएंगे। देखिए ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं और गूगल से जाकर भी हम बहुत सारी जो टेक्स्ट रीड है उनको डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो इंस्टॉल कैसे किया जाएगा उसका मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए आप यहाँ से जाकर कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लिया है। अब देखिए इसको क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक पैराग्राफ हमारा ये है और एक पैराग्राफ हमारा ये है। तो देखिए जब हमारा राइट एलिगन होता है, लेफ्ट एलिगन होता है, तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट में देखिए और राइट में देखिए ये किस तरीके से उबड़ खाबड़ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये मैंने आपको छोड़ दिया था तो जस्टिफाई में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जब हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी सीधी है और यहाँ पर भी सीधी है। यहाँ देखिए ये कैसे उबड़ खाबड़ है। तो जस्टिफाई टूल की हेल्प से आप पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं उसको सेंटर में। देखिए इसको हम जस्टिफाई करेंगे तो जैसे ही हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये स्क्रिप्ट रूल। तो इसका क्या यूज है, जैसे कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं, कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं इसमें कोई वर्ड
आपको डिलीट करना है, मतलब डिलीट नहीं, उसको आपको ऐसा है कि वो गलत हो गया है, तो उसको हम यहाँ से ऐसे, आपने देखा होगा इस तरीके से वो कटे हुई लाइन होती है, यानी कि वो गलत को इंडिकेट करती है, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दिया है हमारा ये x के नीचे और x के ऊपर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जब आप कोई मैथ की इक्वेशन बनाते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पर मैथ की इक्वेशन बनाना जा रहे हैं, तो जैसे हमने लिखा a स्क्वायर चलिए, अच्छा ये मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, और इसके बाद ए, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये आपको लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है? नहीं, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे ए, उसके बाद हम यहाँ से इसको स्क्वायर लगाएंगे और ए लगाएंगे, उसके बाद फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और स्पेस देंगे, और फिर हम प्लस लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पर बी लिखेंगे, और स्क्वायर के लिए हम फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो यानी कि हम इसके थ्रू यहाँ से लगा सकते हैं, और उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी। तो आप इस तरीके से मैथ्स की इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखिए जैसे साइंस में आपको कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए जैसे हम जल का जो पानी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है, अब H2O कैसे लिखना है? देखिए हम यहाँ लिखेंगे H2O, क्या ये सही केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है? नहीं, तो हम जाएंगे यहाँ पर और इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये H2O का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये H2O का फॉर्मूला बन चुका है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाने के लिए मैथ्स और साइंस की हम इस वाले का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें कोई मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, और डिलीट करने के बाद मैं यहां लिखता हूं, मैं कुछ पैराग्राफ लेता हूं, मैं यहां पर दो लाइन के, तीन लाइन के तीन पैराग्राफ, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहां पर ये किया है, मुझे चाहिए 10 पैराग्राफ और एक उसका, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये हमारी वो बन चुकी है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इनको हेडिंग दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर, और ये हमारे कंप्यूटर है, और इसको हमने इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा किया, बोल्ड कंट्रोल बी, या यहाँ से हमने इसको बोल्ड किया, और कंप्यूटर की ये कुछ हमने जो है हेडिंग लिखी है, और इनको हम हेडिंग दे सकते हैं, तो इस वाले बटन पर जाएंगे हम, यहाँ से इसको कोई सी भी हेडिंग दे सकते हैं, देखिए जो सी आपको ठीक लगे वो वाली आप हेडिंग दे सकते हैं, जैसे हमने ये वाली हेडिंग दी है, अब मान लीजिए आप यहाँ से नंबर वाली भी दे सकते हैं, इस तरीके से कोई सी भी आप नंबर वाली हेडिंग दे सकते हैं, या आप इसको भी यूज कर सकते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका, तो देखिए इसको यूज करने के क्या, इसका क्या यूज है, हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, जैसे आप कोई भी पैराग्राफ देखते हैं तो आप देखिए इस तरीके से देखा होगा आपने, यहाँ पर इमेज लगी होती है और यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट लगा हुआ होता है, तो जब हम कोई भी बुक बनाते हैं, ई बुक बनाते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। अब इसको वापस जाने के लिए हम इस वाले की का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है हमारा, ये दोनों ये वाला पैराग्राफ है, और इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ रेड, ठीक है, इसकी जो फॉन्ट का कलर है वो रेड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए
इसका जब हम देखते हैं तो इसका देखिए गैप, लाइन का जो गैप बढ़ाना है हमें, हम यहाँ से इसके लाइंस को गैप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम, और उसको छोटा करने के लिए हम इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिकली यूज किया जाता है, जब हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर टाइप करते हैं, और क्वेश्चन पेपर टाइप करते समय हमें जब ऊपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सब्जेक्ट क्लास ये लिखना होता है, वहां पर भी, और बहुत से जो जैसे टेबल वेबल बनानी होती है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, जिसके हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे कैसे यूज, कहाँ कहाँ क्या अगर किया जा सकता है, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे हर तरीके का फॉर्मेटिंग, यानी कि जब हम डिजाइन देंगे आपको कि आप रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, आप कोई लेटर कैसे बना सकते हैं, आप कोई भी टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, आप अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, जब हम जहां जहां जिस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कुछ फॉन्ट बनाया है, इसको अगर हमें दोबारा बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह जाना है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल को, और ये हमारा टोटल का टोटल सिलेक्ट हो चुका है, देखिए, ठीक है। और हम जैसे ही यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमारा ये सारा का सारा पहले की तरह हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहले की तरह हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको वापस करने के लिए कंट्रोल जेड दबाएंगे, कंट्रोल जेड से हम ये वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ये वाला फॉर्म, तो यहाँ से हमें कुछ और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मिल जाते हैं, देखिए बेसिकली इनका यूज हम जो टेक्स्ट दिया हुआ होता है उसको एडिट करने के लिए, देखिए ये डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हैं, हम यहाँ से और भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेक्स्ट सुटेबल है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम ले सकते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारा यही ठीक रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से चेंज स्टाइल, कोई भी यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के चेंज स्टाइल्स हैं, हम इनको ले सकते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मेट किस उसमें लेना, देखिए ये बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल है, ये आप तब कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी हो। अब देखिए फाइंड का क्लिक करके हम यहाँ से कुछ भी चीज फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर फाइंड करना है दा, ठीक है। अब जैसे ही हम दा देखें तो जहां जहां दा लिखा हुआ होगा वो ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, तो हम यहाँ से दा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है रिप्लेस का, अब रिप्लेस का मतलब है कि जहां जहां दा लिखा हुआ है वहां सक्सेस रथ सेंटर लिखा हुआ आ जाए, तो यहां पर जब हम और रिप्लेस और पर क्लिक करेंगे तो देखिए जहां जहां दा लिखा हुआ था वहां वहां हमारा सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर लिख गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद यहां से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे दा, यानी कि हमने जो किया है हम उसको वापस कर देंगे, तो ओके करेंगे। अब देखिए जो हमने चेंज किया है वो हमारा बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सक्सेस एट कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ था, तो वो भी दा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, फाइंड हो गया। और सिलेक्ट के साथ यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑल सिलेक्ट, ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक टूल्स रह गया है यहाँ पर जिसको मैं अब आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट है, इस डायरेक्टली को हमने कोई चेंज सेव दिया है, जैसे हम इसको यहाँ से कोई कलर दे देते हैं, ये हमारा कलर हो गया, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कलर देंगे हम, चलिए ये वाला कलर दे दिया है हमने, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं, हाईलाइट कर दिया है। अब क्या करना है, देखिए जैसे हम फॉर्मेटिंग टूल्स का मतलब क्या है, हम यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग टूल पर क्लिक करेंगे, अब इसी की तरह हमें जो सा भी वर्ड चाहिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए जिस जिसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें ये पूरा देखिए वो जिस जो भी फॉर्मेटिंग है वो उसको कैच कर लेगा और उसको उसी के अनुसार चेंज कर देगा, देखिए समझ पा रहे हैं, देखिए। तो इस प्रकार आज हमने वर्डपैड का जो होम टैब के अंतर्गत जितने भी टूल्स हैं उनको आसानी से समझा, तो देखिए ये टूल्स हमने समझ लिए, लेकिन
अभी आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, और जब आप इसको समझ जाएंगे कि कौन से टूल्स का क्या कार्य है, उसको उसके बाद ही आप, अगर आप कोई लेटर बनाते हैं, आप कोई बुक ई बुक बनाते हैं, या कोई आप रिज्यूम बनाते हैं, या कोई आप कुछ भी अगर आप इसमें बनाते हैं, तो उसके लिए आपको वो फॉर्मेटिंग आनी चाहिए कि आपको अगर तुरंत आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है और वो कहाँ से किया जा सकता है और उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कौन कराएगा? मैं। तो बने ही रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सक्सेस ग्रोथ कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर की नॉलेज फ्री में मिलने वाली है। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, अगर आप हमारे इस कोर्स के साथ पूरा कोर्स कंप्लीट करके रेगुलर आप वीडियो में, हर वीडियो में कमेंट करेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बेसिक कंप्यूटर का, बेसिक टू एडवांस के लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, कमेंट कीजिए और अपनी अटेंडेंस दर्ज कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के अंत में, यानी कि जब ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू।